अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लिए 2 कप चीनी और उसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। और इसे हम हाई फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हमने लिया है 100 ग्राम पनीर, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर मैश हो गया है। और इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम खोआ। ध्यान रहे कि खोए की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है और पनीर की उससे थोड़ी सी कम। और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छी तरह से गूंदेंगे। और हम चाशनी भी देखते रहेंगे बीच में। और इसमें अब ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसका जो मुलायम डो बनाने तक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। और अब हमारा जो डो था वो तैयार हो गया है। उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से हमने अपनी सारी जो है गुलाब जामुन की बॉल्स वो रेडी कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमने फ्राई पैन में घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी बॉल्स को इसमें डालेंगे। देखिए ये ब्राउन कलर आ गया है इसमें। और जब इस तरीके का कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और चाशनी में डाल देंगे। और इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। और उनको भी चाशनी में डाल देंगे। हमारी सारी गुलाब जामुन तैयार है और हम इसको 15 से 20 मिनट तक चाशनी में रखेंगे। और हम अपने गुलाब जामुन को कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए हमारी गुलाब जामुन कितनी अच्छी लग रही हैं। और इनके ऊपर हम थोड़ा सा चाशनी भी डाल देंगे। और इनको हम आमंड के साथ गार्निश कर लेंगे। और ये हमारी गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं। आपको हमारी गुलाब जामुन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल जायका पंजाब को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।